अल्लाह के दर्दे से कौन बेटा जी सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम बेटा जी मैनू पैसे चाहिए थे बाबा जी मेरे पास खुले पैसे नहीं है ओहो बेटा जी मेनू खुले पैसे नहीं चाहिए मेनू 50,000 रुपया चाहिए बाबा जी 50,000 कौन है आप और कहां से आए हैं कैसे मांगने वाले आ गए हैं भाई 50,000 चाहिए इनको मैं आपकी मदद नहीं कर सकती आप किसी और से जाके मांगे ओ मेरी धी मेरा पुत्र मैं मांगने वाला नहीं मेनू 50,000 रुपया चाहिए बाबा जी कोई 150 की बात होती तो मैं आपको दे देती लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है आप मुझे जानते हैं मैं आपको नहीं जानती वैसे भी अनजान आदमी को बंदा 50,000 कैसे दे ओ पुत्र जी तानू नहीं मैं जानता मैं ताड़े खामन में जानना बेटा जी ताड़े शोहर कितने ने बाबा जी वो तो ऑफिस गए होंगे वो तो शाम को आएंगे बेटा जी मैंनू बड़ी मजबूरी है बेटा जी मैंनू 50,000 रुपए दे दियो मैं इन्हें वापस कर देना बाबा जी मैं आप पे कैसे इतमार कर लूं मैं आपको 50,000 दे दूं लेकिन कल को मुझे वापस ना मिले तो मैं आपको कहां से ढूंढूंगी पुत्र जी मेरे ते इतमार करो आज तो 10 साल पहले मैं ताडे खामन अफतर नू ट्रेन च मिलिया सा मेरी उन्हां नाल दोस्ती उत्थे होई सी ते इथों दा पता भी उन्हां ने मैनू दित्ता सी लेकिन उन्होंने तो आपके बारे में कभी नहीं बताया पुत्र जी तुसी टेलीफोन ते मेरी उन्हां नाल गल कराओ हुणे पता लग जाएगा कि मैं कौन आप शाम को आ जाइएगा वो बेटा जी शाम नु मैं किवें आवां मेरी ते 7 बजे लारी निकल जानी है मैं अपने पिंड भी जाना पुत्र जी तुसी इस तरह गल करो तानू तकलीफ दे रिया तुसी अफसर साहब दी मेरे नाल टेलीफोन ते गल करवा चले ठीक है आप वेट करें मैं आपकी बात करवा ठीक है पुत्र जी मैं वेट करना जी ठीक है रहमत कर अपने हबीब जी जी हाँ हाँ आप बेफिक्र हो जाए भेज दीजिएगा भेज दीजिए हो जाएगा काम हो जाएगा ओके मेरी जान ओके अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम खैरियत तो है अभी सुबह सुबह तो घर से आया हूँ पिज्जा का फिर फोन आ गया हेलो जी फिजा अस्सलाम वालेकुम खैरियत अक्सर एक बाबा जी आए हैं हमारे घर कौन कह रहे थे कोई 10 साल पहले आपसे मिले वो ट्रेन में अपना नाम जमील बता रहे वो ट्रेन में मिले थे वो बाबा जमील साहब हाँ हाँ जिला दूर अंदेश साहब फिजा मेरी बात गौर से सुनो ये बड़े मेरे मोहसिन आदमी हैं आप इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ मैं अभी आ रहा और इन्हें चाय पानी पिलाओ ओके जी जी बेहतर हो गया ओके ओके अल्लाह बाबा जी आप अंदर आ जाए अख्तर साहब से मेरी बात हो गई वो भी आती है जी उम्मीद होती है जी उम्मीद आए तुर तुर के बैठे बाबा जी थक गए हैं बाबा जी आप आराम से बैठे मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ जी उम्मीद होती है आए आए शुक्र है यार ना जी उम्मीद जी उम्मीद बाबा जी पता नहीं कौन है अक्सर साहब से भी बात हुई वो भी कह रहे बाबा जी को बिठा दे अल्लाह पाक बेहतर ही जाने ये कौन है क्या माजरा है और ऊपर से कह रहे 50,000 रुपया चाहिए जी ले आ अल्लाह खैर करे सी भैया 50,000 रुपया मैं मना मिलिया तो मैं की करांगा वो मेरे ते रिश्तेदारों ने भी इनकार कर दिता
मैं ते अल्लाह तवक्कल ही इस बंदे को ला गया। अख्तर साहब हम देखो सानर की सलूक कर रहे हैं। या अल्लाह खैर कर, तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरी बड़ी मेहरबानी। धीरानी ने पानी पाया। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, आपको गैर भी हो गए। अख्तर साहब बस दुनिया के नशीब फराज इस तरह चलते रहने। अच्छा जमील साहब बातें तो होती रहे, ये बताया मुझे कि खैरियत से आना हुआ। अख्तर साहब की दसा, मैनू दसें शर्म आती है। गल कि मेरी धी की शादी मैनू 50,000 रुपए की बड़ी सख्त जरूरत। मैं अपने रिश्तेदार आके हाथ बन के अर्ज की थी है। लेकिन किसी ने भी सलाम ही नहीं करी। अख्तर साहब अल्लाह तो बस तुसी मेरी आखिरी नीत, रब दा वास्ता मेरी बेटी वास्ते 50,000 जिला दूरन दे साहब हाथ जोड़ के शर्मिंदा रहे। आपने उस वक्त ट्रेन में मेरी मदद की थी जब मेरी जेब कट गई। उस वक्त 2,000 में आपके भूल नहीं सकता। आप तशरीफ रखिए। अख्तर साहब ये क्या कर रहे हैं? ये बाबा जमील साहब को 50,000 की रूट चेक। 50,000 के क्यों चेक आप दे रहे हैं? 2,000 के बदले कोई 4,000, 5,000 ज्यादा देता है। फिजा आप भी समझोगी कि बाबा जमील पर मुझ पे कितना एहसान है। मैं तुझे समझाता हूँ। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। आ जाओ आओ। जमील साहब। जी जी जी। ये 50,000 रुपए जब मुश्किल मेरे पे वक्त था आपने मुझे 2,000 दिए थे उसके बदले। और ये 50,000 हमारी बहना के लिए हमारी तरफ से, इसकी कोई वापसी नहीं। अख्तर साहब जीवन रहो, जवानियां मानो। कोई बात फिजा, बाबा जी का एहसान मैं आपको बताऊं। आज से 10 साल पहले ट्रेन में मेरी चिप और मेरी अहम मीटिंग, मुझे टेंडर मिलना था। उस वक्त अगर मुझे ये 2,000 रुपए न देते तो वो लाखों का टेंडर मेरे हाथों से चला जाता। आज इनके 2,000 रुपए की वजह से हम लाखों बचे। आज हमने अपने लाखों रुपयों में सिर्फ इन्हें 1,00,000 रुपए दिए जबकि उस वक्त इनके पास सिर्फ 2,000 रुपए थे। सिर्फ 2,000, वो भी सारे के सारे मुझे दे। तो मैं इनका एहसान सारी जिंदगी नहीं लौटा सकता। अख्तर साहब हूँ मैंने इजाजत दो, शाम का टाइम हो गया, मेरी गड्डी ना निकल जाए। आप रुक जाते, खाना वाना खाते, कल सुबह चले जाते। अख्तर साहब जो तुसी मेरे वास्ते कर देता है मैं जाके इंतजाम आपकी तो करने ना। तो अख्तर साहब तुसी अपनी बीबी ना लेके मेरी बेटी की शादी तो जरूर आना। जरूर जरूर मैं तुहाडा इंतजार करा जी। बहुत शुक्रिया, जरूर हम हाजिर। अच्छा बेटी जी जिंदी रहो जी। आइए जी आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।